हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में 12 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। और पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अभी हाल ही में एनएडीए के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील सेट्टी। अगर एनएडीए की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में और इसके सीईओ कौन है? ये हैं नवीन अग्रवाल। क्या नाम है? नवीन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल माउंटेन डे। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस हम लोग मनाते हैं हर साल 11 दिसंबर को। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। पिछले साल इसकी थीम थी माउंटेन मैटर्स, माउंटेन मैटर्स। इस साल अभी तक कोई भी थीम अनाउंस नहीं करी गई है यूएन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज गॉट फर्स्ट रैंक इन रिसेंटली हेल्ड साउथ एशियन गेम्स 2019 इन नेपाल। मैंने आपको कुछ दिन पहले करंट अफेयर में बताया भी था कि नेपाल में काठमांडू में साउथ एशियन गेम्स 2019 का आयोजन किया जा रहा है। तो अब आपसे सवाल यह है कि इन गेम्स में नंबर वन रैंक कौन से कंट्री ने हासिल करी है? ये कंट्री रहा भारत। भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, टोटल 264 मेडल जीते भारत ने यहां पर। और भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनकोट्टे और कोलंबो, भूटान की कैपिटल थिम्पू। भूटान में सरकार किसकी है? यहां पर लोटे शेरिंग की सरकार है। श्रीलंका में अभी नई सरकार आ चुकी है महिंदा राजपक्षा की, और नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट टेक ऑफ फ्रॉम विच प्लेस इन कनाडा। अभी हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ये कनाडा में कौन से शहर से इसको टेक ऑफ किया गया? ये टेक ऑफ हुई वैनकूवर से। कहां से? सिटी वैनकूवर से। और कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल है ओटावा। इस फ्लाइट की खास बात यह है, ये ऑल इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट है, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट उड़ी है। कितनी देर तक इसने उड़ान भरी? 15 मिनट तक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नीलगिरी माउंटेन रेलवे कंडक्टेड अ स्पेशल ट्रैवल सर्विस फॉर 71 फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम कुनू टू विच प्लेस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में नीलगिरी माउंटेन रेलवे ने 71 विदेशी पर्यटकों को स्पेशल ट्रैवल सेवा कुन्नूर से लेके कहां तक दी? इन्होंने कुन्नूर से लेके ऊटी तक यात्रा कराई इन फॉरेनर्स को। अगला क्वेश्चन है, बाय हाउ मच परसेंट द सेल्स ऑफ आर्म्स हैज बीन इंक्रीज्ड वर्ल्ड वाइड इन 2018। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड में हथियारों की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, ये वृद्धि हुई 5% की। पूरे वर्ल्ड की यहां पर बात हो रही है, दुनिया भर में हथियारों की बिक्री बढ़ गई है पहले से कहीं ज्यादा, पूरे 5% इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एट COP25। तो अभी हाल ही में आपसे कह रहा है, COP25 में ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है, इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? भारत ने यहां पर 9th रैंक सिक्योर करी, नवी रैंक भारत ने सिक्योर करी। यूएस, चाइना और रशिया के बाद चौथे नंबर पे स्वीडन रहा यहां पर, और पांचवें नंबर पे रहा डेनमार्क। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। ध्यान रखिए, COP25 इस बार कहां हुआ? ये हुआ मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टू विच कंट्री द एक्सिम बैंक हैज प्रोवाइडेड $500 मिलियन लोन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट। देखो अभी हाल ही में एक्सिम बैंक ने, जो हमारा आयात निर्यात बैंक है, इसने किस देश को $500 मिलियन का कर्जा दिया है ताकि ये अपने डिफेंस से रिलेटेड सारी इक्विपमेंट्स खरीद सकें? तो ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश को एक्सिम बैंक ने लोन दिया है $500 मिलियन का। अब एक्सिम बैंक की अगर बात करें तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है, आपको ध्यान रखना होगा, मुंबई। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। और एक्सिम बैंक के सीईओ कौन है? ये है डेविड रेस्किना। क्या नाम है? रेस्किना। तो डेविड रेस्किना यहाँ के सीईओ हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1982 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बांग्लादेश में आपको पता ही है सरकार चल रही है शेख हसीना की, और यहां पर इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। ध्यान रखिए, बांग्लादेश सरकार ने अभी
कुछ टाइम पहले ही अक्टूबर के महीने में भारत सरकार के साथ 7 पैक्ट्स पर एक साथ साइन किए हैं। 7 पैक्ट्स पर, 7 समझौतों पर एक साथ हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, यह है एलपीजी पैक्ट। इस एलपीजी पैक्ट के तहत भारत सरकार बांग्लादेश से इंपोर्ट करेगी एलपीजी अपने ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जैसे कि मणिपुर हो गया, आसाम हो गया और नागालैंड हो गया, इन सभी स्टेट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एंड सऊदी अरेमको साइंड एन एमओयू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। अभी हाल ही में भारत की कंपनी जिसका नाम है एनएसआईसी और सऊदी अरेबिया की कंपनी जिसका नाम है सऊदी अरेमको, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ। ये पैक्ट किस लिए साइन हुआ? ये पैक्ट साइन हुआ है ऑयल एंड गैसेस के लिए। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एनएसआईसी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सऊदी अरेमको का हेडक्वार्टर है धारन। क्या नाम है? धारन। ओके, क्या लिखते हैं इसको? DHARAN, धारन इसको लिखते हैं। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। यहां पर करेंसी चलती है रियाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ऑन विच गवर्नमेंट बॉन्ड। आपसे कह रहा है फॉर व्हाट पीरियड गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंटरेस्ट रेट ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में भी समझ लीजिए। पहले आपसे कह रहा है अभी हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कितने साल के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर के विकल्प लॉन्च किए हैं? इन्होंने 10 साल के बॉन्ड्स पर लॉन्च किए हैं ये ऑप्शन। आई होप सभी क्वेश्चन आज के आपको क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये है मेरा रेफरल कोड Varun777, इसका यूज करके अन अकेडमी पर फ्लैट डिस्काउंट आपको 10% का मिल जाएगा अगर आप अन अकेडमी पर किसी भी तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।